हाँ जी बच्चों, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहा है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, या फिर बोल सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर नाइन ऑप्शन प्राइसिंग। ऑप्शन प्राइसिंग, या तो ये जाना जाता है वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन के नाम से, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल या वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। सर ये है क्या चीज बेटे? हम लोगों ने जो जितना भी अभी तक डिस्कस किया, हमारा जो पूरा फोकस रहा है वो ये रहा है कि यार आप चाहे कॉल ऑप्शन खरीदो चाहे आप पुट ऑप्शन खरीदो, हम लोगों को आज बदले के में कुछ एडवांस में देना पड़ता है जिसका नाम है प्रीमियम। तो अगर मैं कहता हूं मैं कॉल ऑप्शन खरीदता हूं, कॉल ऑप्शन, तो बदले में स्टॉक एक्सचेंज मुझसे मांगेगा कुछ, और क्या मांगेगा? हमसे मांगेगा प्रीमियम। ठीक है जी। अब बेटे मैं सोच रहा हूं कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूं और मुझसे मांगा जा रहा है प्रीमियम 10 रुपए। तो अब सवाल ये पैदा होता है क्या मुझे वो कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? अब मैं अनुमान लगा रहा हूं कि यार अगर मैं रिलायंस का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी खरीद लेता हूं और फ्यूचर में जो मुझे फायदा होने वाला है ऑप्शन खरीदने से, जो फ्यूचर में फायदा होने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाल लिया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 12 रुपए। इसका मतलब कि अगर इस चीज को खरीदता हूं मैं तो मुझे 12 रुपए का फायदा होने वाला है, 12 रुपीज, जबकि पैसे कितना देना? सिर्फ 10 रुपए। तो बताओ बेटे मुझे ऑप्शन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? इसको खरीदने से फायदा हो रहा 12 रुपए का, मतलब मैं इसके लिए 12 रुपए देने को तैयार हूं। वैल्यू कितनी है मेरे लिए? इसकी वैल्यू 12 रुपए है, जबकि पैसे सिर्फ 10 देना है। तो 10 रुपए देना है और 12 रुपए मिलने वाले, तो खरीद लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि यार इस कॉल ऑप्शन के लिए प्रीमियम तो 10 रुपए देना है, पर मैंने कहा रुक जाओ मैं वैल्यू निकालता हूं, और मैंने फ्यूचर में जो फायदा होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। मैंने कहा यार 8 रुपए से ज्यादा तो इससे मिलेगा ही नहीं, किसी भी हालत में अगर इसको आज मैं खरीदता हूं तो 8 रुपए से ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो भाई मैं 8 रुपए से ज्यादा क्यों दूंगा? मांगा कितना जा रहा है? 10। तो मैं मना कर दूंगा, मैं कहूंगा यार ये तो महंगा है, 8 रुपए का ही तो फायदा होने वाला। तो मुझे वही निकालना है, मुझे निकालना है इसकी वैल्यू कि ऑप्शन मुझे खरीदना है, ये जो 10 रुपए दे रहा है तो एक्चुअल प्राइस है। मुझे निकालना है कि थियोरिटिकल मैं कितना देने को तैयार हो सकता हूं, और वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे ही निकलेगा कि फ्यूचर में जो फायदा होने वाला है बस वो अगर मैंने निकाल लिया तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर देखा जाए ऑप्शन की वैल्यू का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन की वैल्यू का मतलब ये हुआ, ये एक्चुअल प्राइस है 10 रुपए प्रीमियम वैल्यू, और मुझे निकालना थियोरिटिकल कि मैं कितना देने को तैयार हो सकता हूं, दैट्स इट। और वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, फ्यूचर का फायदा पता कर लीजिए, आपकी वैल्यू निकल जाएगी ऑटोमेटिक। अब इसके लिए बड़े बड़े लोग आए, इसके लिए बहुत सारी, टोटल मिलाकर 3 मॉडल पढ़ेंगे हम अपने सीए फाइनल में। एक पढ़ेंगे बाइनोमियल मॉडल। अच्छा, बाइनोमियल मॉडल से में भी निकालने के 3 मेथड होते हैं, वो मैं समझाऊंगा। दूसरा पढ़ेंगे पुट कॉल पैरिटी, और तीसरा एंड फाइनल पढ़ेंगे ब्लैक सॉल्स मॉडल। खास बात है ऑप्शन की वैल्यू तीनों में एक जैसा ही आता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं, वैल्यू का मतलब है कि मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे ऑप्शन खरीदना चाहिए कि नहीं। तो टोटल मिलाकर हमारे सीए फाइनल में 3 मेथड है वैल्यू निकालने के। तो लिख रहा हूं, देयर आर 3 मॉडल्स टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। टोटल मिलाकर 3 मॉडल है। फर्स्ट
बाइनोमियल मॉडल, ठीक है। एंड बाइनोमियल के अंदर ना तीन है टोटल मिलाकर, बाइनोमियल मॉडल से भी तीन अप्रोच होती है वैल्यू निकालने की देखा जाए तो। एक होती है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। अच्छा सर और कौन सी होती है? ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा हेजिंग, डेल्टा हेजिंग, या फिर और एक नाम है इसका रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच। और इसके अंदर और एक होते हैं, मतलब बाइनोमियल मॉडल से वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने की तीन अप्रोच है, रिस्क न्यूट्रल, डेल्टा हेजिंग और एक है रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच, रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच। तो ये है पहला मॉडल बाइनोमियल मॉडल। दूसरा मॉडल वो है पुट कॉल पैरिटी थ्योरम एंड लास्ट ब्लैक सोल्स मॉडल। इसको हम BSM के नाम से जानते हैं, इसको PCP बोलेंगे पुट कॉल पैरिटी। तो टोटल मिलाकर CA फाइनल में तीन मॉडल है आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने के लिए, ठीक है। एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से आया है? बाइनोमियल से आया है। अच्छा सर एक बार बताओ बाइनोमियल मॉडल में तीन अप्रोच है वैल्यू निकालने के, तीनों से आंसर एक जैसा आएगा? हाँ भाई हाँ। तो सर हम कौन सी अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे? सबसे इजी पड़ता है रिस्क न्यूट्रल। अगर क्वेश्चन में से बोलेगा कि बाइनोमियल मॉडल से आंसर निकालिए तो हम लोग रिस्क न्यूट्रल लगाएंगे, और आपके प्रैक्टिस मैनुअल ने भी यही कर रखा, ICAI भी यही फॉलो करता अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो, बोले कि बस बाइनोमियल से आंसर निकाल लीजिए। पर अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है या कैसे कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट पूछ ले कि आप या तो बोलते कि रिस्क डेल्टा हेजिंग से निकालिए तो डेल्टा हेजिंग से निकालना पड़ेगा, अगर बोलेगा रेप्लिकेटिंग तो वैसे ही करना पड़ेगा, पर कुछ ना बोले तो ऐसे। और इसके अगर मैं बोलूं तो 90% क्वेश्चन यहीं से है रिस्क न्यूट्रल, तो बेटे इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। और एग्जाम में भी ज्यादातर क्वेश्चन बाइनोमियल के हैं और इन दोनों के क्वेश्चन कम है, तो पहले हम वन बाई वन करेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल, और बाइनोमियल में सबसे पहले कौन सी अप्रोच लगाएंगे? रिस्क न्यूट्रल अप्रोच, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूं तो हमारे लिए ये अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे साथ साथ लिखोगे फर्स्ट बाइनोमियल मॉडल, फर्स्ट बाइनोमियल मॉडल, बाइनोमियल मॉडल। और बाइनोमियल के अंदर कौन सी अप्रोच से क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। ठीक है सर अब हम लोग तैयार हो चुके हैं और क्वेश्चन भी बड़े सारे इसके, तो बिल्कुल ध्यान ध्यान से मेरी बात समझते जाना, दिक्कतें खत्म हो जाएगी।
पहला क्वेश्चन है कि यार हम कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं, कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं, चाहे कॉल ऑप्शन चाहे पुट ऑप्शन। मान लो आज शेयर की प्राइस, A0 बोल सकता हूं? हाँ सर। मान लो सर आज शेयर की प्राइस 500 है और पीरियड है 1 साल, 1 साल। तो बता सकते हो कि आज से 1 साल बाद शेयर की प्राइस कितनी हो सकती है? सर कितनी भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि 20% से बढ़ सकती है, हो सकता है सर। आज 500 है तो 20% से बढ़ेगा तो कितना हो सकता है? 600 भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 20% से कम हो जाए, यस 400 भी हो सकता है। 500 माइनस 20%, 400 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। क्या इसके अलावा भी और कोई पॉसिबल प्राइस हो सकती है? नहीं बेटे नहीं। अब बाइनोमियल मॉडल क्या बोलता है? बाइनोमियल मॉडल नाम से ही लग रहा, बाइनोमियल दो, ये बोल रहा है कि जो स्टॉक का प्राइस है मैच्योरिटी पर, इसके दो ही पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं, एक ज्यादा एक कम। जो ज्यादा प्राइस है ना उसको मैं यूएस बोल सकता हूं, ये एस तो बढ़ गया ना बेटे, यूएस। और जो डाउन हो गया इसको क्या बोल सकते हैं? डीएस। तो बाइनोमियल एक एजम्पशन पर बेस है, और एजम्पशन ये है कि मैच्योरिटी पर स्टॉक की प्राइस, मैच्योरिटी पर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो प्राइस बढ़ेगा जिसे मैं अपर प्राइस ऑफ स्टॉक बोलूंगा, या तो फिर लोअर प्राइस डाउन डीएस बोलूंगा। ठीक है सर, यूएस का नाम और कुछ भी तो लिख सकते? हाँ बेटे लिख सकते हैं, अपर प्राइस लिख सकता हूं, इसको लोअर प्राइस लिख सकता हूं, पर आपके आईसीएआई में इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। मतलब यूएस लिखोगे डीएस लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। अल्टरनेटिव तरीके भी है कि मैं इसको यूपी लिख दूं, इसको एलपी लिख दूं, बहुत सारे तरीके, पर कोशिश करना बिल्कुल टू द पॉइंट वही पढ़ेंगे जो आईसीएआई की बुक में लिखा हुआ। तो नाम से ही पता है कितनी पॉसिबल प्राइस हो सकती है, दो पॉसिबल प्राइस हो सकती है। धीरे धीरे हम लिखते हैं, धीरे धीरे बात करेंगे। तो पहला डॉट लगा रहा हूं मैं, फर्स्ट एस द नेम सजेस्टेड, नाम है ना बाइनोमियल, एज द नेम सजेस्टेड ओनली टू पॉसिबल प्राइस, ऑफ स्टॉक ऑन मैच्योरिटी। दो ही पॉसिबल प्राइस हो सकती है मैच्योरिटी को। एक क्या हो सकता है सर? अपर, अपर प्राइस ऑफ स्टॉक बढ़ सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको मैं बोलूंगा यू, छोटा वाला यू, और एस ये स्मॉल में रहेगा, यूएस। सर एक कौन सी पल प्राइस? लोअर प्राइस ऑफ स्टॉक, प्राइस कम भी हो सकता है, लोअर प्राइस ऑफ स्टॉक। तो सर यहां यू लिखेंगे बेटे? नहीं, एल इसकी अपेक्षा डी लिखो तो ज्यादा अच्छा, डी छोटा वाला और एस। ठीक, दिस अप डाउन, ये अप और ये डाउन, प्राइस बढ़ भी सकता है कि कम भी हो सकता है। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आई। अब कहना क्या चाहते हो? तो बेटे अब सुनो मेरी बात, मैं एक एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर रहा हूं। सपोज करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर या स्टॉक, आज स्टॉक का प्राइस कितना है? इसको मैं एस बोला करूंगा, एस। तो मान लो बेटे आज स्टॉक का प्राइस है 500, 500। ठीक है सर, एक्सरसाइज प्राइस, और कौन से ऑप्शन का?
कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस मान के चलो 510, 510। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आती है। अब क्या हो सकता है? अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मैच्योरिटी पीरियड, एक साल, और मैंने कहा कि ऑन मैच्योरिटी मैच्योरिटी की दो ही पॉसिबल प्राइस हो सकती है, एक तो अपर प्राइस, और मैं आपसे अपर प्राइस बोल रहा हूं कि यार 600 रुपए हो सकता है। सर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7, मन से बोला हूं प्रोबेबिलिटी। और कौन सी प्राइस हो सकती है? लोअर प्राइस भी तो हो सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 400 रुपये। प्रोबेबिलिटी 0.3। और सुनो, दो ही पॉसिबल प्राइस हो सकती है, तो अपर प्राइस होने की प्रोबेबिलिटी 0.7, तो लोअर प्राइस की कितनी होगी? 0.3, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है? 1। और मैं आपसे बोल रहा हूं रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो है 10% पर एनम। ठीक है सर, अब सोच के देखो, हमने अभी किया हुआ है टॉपिक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। सुनना ध्यान से, सब कुछ भूल जाओ कि बाइनोमियल क्या बोलता क्या नहीं बोलता, यहां मेरी बात सुनोगे। मैंने कहा यार ऑप्शन कौन सा है? सर कॉल ऑप्शन। और एक्सरसाइज प्राइस कितना? एक्सरसाइज प्राइस है 510। तो कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेंगे? जब 510 से ऊपर जाएगा। अब सोच के बताना, अगर शेयर का प्राइस 600 रुपए हो जाता है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा बिल्कुल। मतलब शेयर का प्राइस 600 भी हो सकता है और 400 भी हो सकता है। अगर 600 हो जाता तो ऑप्शन क्या करोगे? एक्सरसाइज। और 400 हो जाता तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स। ये तो हमने पढ़ चुके हैं। अच्छा तो बताओ ग्रॉस पे ऑफ कितना आएगा? ग्रॉस पे ऑफ सर यहां 510, 90 रुपए का ग्रॉस पे, और यहां 0। ठीक है, और बताओ 90 रुपए फायदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7, और यहां 0.3। तो बताओ 90 × 0.7 कितना एक्सपेक्टेड फायदा होने वाला? 90 × 0.7 बिट्टे 63, और इधर 0। तो बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आ गया? 63। ये तो हमने पहले भी कर रखा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्या ये हमारा पहले भी किया हुआ है? यस। अच्छा तो 63 का फायदा होने वाला है मुझे, पर 63 का फायदा कब होने वाला? आज की एक साल बाद। पीरियड एक साल है, एक साल बाद। पर प्रीमियम आज मुझे कब देना पड़ा? मुझे तो आज देना पड़ेगा ना प्रीमियम। हाँ भाई हाँ, अब क्या करें? तो बेटे ये है फ्यूचर वैल्यू, और आज प्रीमियम देना है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या निकाला जा सकता है? यस 63/1.10, क्योंकि रिस्क फ्री रेट कितना दिख रहा है? 10%। सर बस एक बात बताओ, आप रिस्क फ्री से कैसे डिस्काउंटिंग कर सकते हो? हाँ ये मैं बताऊंगा कि मैं रिस्क फ्री से क्यों डिस्काउंटिंग कर रहा हूं। तो देखा जाए तो 63/1.10, तो आंसर कितना आ गया बेटे? आंसर आ गया 57.27। तो मैं प्रीमियम का 57.27 ही दे पाऊंगा। तो अगर देखो बेटे, आपने अल्टीमेटली क्या किया? सर हमने तो प्रेजेंट वैल्यू ही निकाला है। अभी तक क्या निकाल रहे थे? अभी तक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे थे, अब क्या निकाल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन हम इस तरह से टेबल में नहीं दिखाते, हम लोग क्या करते हैं? सुनो, हम ऐसे ही करेंगे, और ये क्या है? यही तो मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन है एज पर बाइनोमियल। बस एक दिक्कत है, प्रोबेबिलिटी ये जो ले रखा है ना, ये प्रोबेबिलिटी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमें रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालना, इस प्रोबेबिलिटी से काम नहीं चलेगा। पर फिर भी इसी प्रोबेबिलिटी को मैं अगर यूज करके बताऊं तो देखे क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू
इट पे ऑफ? डिवाइडेड बाय, किससे डिस्काउंटिंग कर रहे हो? रिस्क फ्री रेट, एक्सपेक्टेड पे ऑफ डिस्काउंटेड विथ रिस्क फ्री रेट, ठीक है यहां तक? हाँ सर, पर अब थोड़ी सी बात समझना, आपको ना एक स्टैंडर्ड नोटेशन के थ्रू काम करना पड़ेगा। सर, स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब क्या होता है? कि अगर मुझे ये ऐसे टेबल में नहीं बनाना है तो इसको हम कैसे करते हैं? बेटे इसको देखोगे कैसे करोगे, ध्यान से समझना। आज शेयर की प्राइस कितनी है? 500। ये है 500। मुझे बताओ कितनी प्राइस हो सकती है? एक बायनोमियल ट्री बना रहा हूं इसको मैं, बाय 600 रुपए हो सकती या कितनी हो सकती है? 400 रुपए हो सकती है, 600, 400। इसको मैंने कुछ नाम बोला था, इसको मैं बोलूंगा यूएस। ये म्यू नहीं है, ये यू है, यूएस। और इसको क्या बोल रहा हूं मैं? डीएस, यूएस डीएस। अब हम लोगों को क्या करना पड़ता? हम लोगों को यहां पे ऑफ निकालना पड़ता, प्राइस बढ़ने से कितना फायदा। तो इसको मैं सीयू बोल सकता हूं, बिल्कुल ग्रॉस पे ऑफ ही निकालना है। कितने का फायदा है? 90, ठीक है यहां तक। और प्राइस गिरने से कितने का? जीरो, क्योंकि मालूम है कॉल ऑप्शन है, गिरने पे तो जीरो। अब मैं क्या करने वाला हूं? 90 रुपए का फायदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7 पी, इसको मैं पी नाम दूंगा, प्रोबेबिलिटी। और जीरो का फायदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस पी। अगर ये 0.7 है तो ये तो 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब उन्होंने ना फॉर्मूला बनाया, और फॉर्मूला क्या बनाया बस सुनते जाना। उन्होंने कहा फॉर्मूला ऐसा बना, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला देखना बेटे। इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन का वैल्यू निकालना है तो ये लिखा सबसे पहले सी यू 90, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू पी, ठीक है सर, सी यू पी प्लस सी डी, सी डी, सी डी मतलब ये वाला पे ऑफ। और फिर बोला उन्होंने 1 माइनस पी मतलब सर, मतलब 0.3, और डिवाइडेड बाय, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो 10%, 10% को 1.10 लिखना चाहिए, पर आपके आईसीए ने उसका स्टैंडर्ड नोटेशन दिया है आर, कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब 10%, 10% कैपिटल आर का मतलब हो गया फैक्टर 1.10, तो अब देखो बेटे आंसर वही आएगा 90, प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.7 प्लस 0, प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.3 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर है 1.10। तो बेटे आंसर कितना आएगा? आंसर उतना ही आएगा, 57.27, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, मैं प्रोसेस करवा दूंगा कि कैसे करना है करके, पर अभी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। आप नोट करोगे तो आप नोट करोगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। हालांकि बस अभी जो खेल है ये है प्रोबेबिलिटी, मैंने गलत ले रखा है, मुझे रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी लेना चाहिए। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है जो हमको यूज करना है कि किस तरह से काम होता है करके। एग्जाम्पल ले लेना मार्केट प्राइस, अभी तक मैंने प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में जो कि रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी नहीं है। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी क्या है ये समझाना बाकी है, ये कैसे निकलेगा। और ये समझाना बात की है कि सर ठीक है ये तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है, पर आप डिस्काउंटिंग 10% से क्यों कर रहे हो, रिस्क फ्री से क्यों कर रहे हो, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। बस दो चीजें बाकी हैं, बाकी क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
अब समझने की कोशिश करोगे। एक डॉट लगाओगे और यहां लिखोगे हाउ टू कैलकुलेट रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। हाउ टू कैलकुलेट रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, बस यही बात हमको अब समझनी है और फिर हमारा पूरा बायनोमियल वाला जो रिस्क न्यूट्रल अप्रोच है वो सीधी समझ। अभी थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, बाकी फिर तो ये आपको, अब सोचो कि सर ये कैसे याद रहेगा, बेटे ये सब याद हो जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो अब बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को। हाँ जी, अब सुनोगे बेटे, बिल्कुल आराम से समझते जाना। आपको पता है मैं आपको एक बात बोलता था कि यार एक्सपेक्टेड प्राइस बताओ, शेयर का प्राइस कितना हो सकता है फ्यूचर में। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक प्राइस दे दिया है 600 रुपए दे दिया है, और मैंने कहा कि प्राइस 400 भी हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और मैं बोलता हूं एक्सपेक्टेड प्राइस बताइए, तो आप क्या करते थे? जो ज्यादा प्राइस है 600 × 0.7 प्लस 400 × 0.3, और आप एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल लेते थे। ऐसा ही तो करते थे हम, एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल लेते थे। ठीक है, अब सुनो, यहां हमारा मानना है कि हम जो दुनिया में जी रहे हैं वो रिस्क न्यूट्रल है, रिस्क कहीं है ही नहीं। सपोज, सुनोगे बेटे, मान लो मैं कोई शेयर खरीदने जा रहा हूं। सर किसका शेयर? रिलायंस का शेयर। आज उसकी कीमत कितनी है? 100। आज उसकी कीमत है 100। फ्यूचर में क्या होने वाला है? या तो शेयर की प्राइस बढ़ सकती है बायनोमियल के हिसाब से, या तो शेयर की प्राइस क्या हो सकती है, शेयर का प्राइस कम भी हो सकती है, डीएस, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, यही बायनोमियल बोलता है। अच्छा, प्राइस बढ़ी और इसको मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी, और जो प्राइस कम होने वाली उसको, दो ही तो चीज हो सकती है, उसको 1 - P से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज 1 - प्रोबेबिलिटी। तो क्या आंसर मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस जाएगा? हाँ भाई हाँ, क्योंकि दो ही पॉसिबल प्राइस है, अगर यहां 0.7 होगा तो यहां 1 - 0.7 0.3 हो जाएगा। ठीक, ठीक है सर, तो ये है मेरा, ये मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस है कि इतना रुपया मुझे मिलेगा। कब मिलेगा ये मान के चलो 1 साल बाद। ठीक, अब मैं कहता हूं यार ये 100 रुपए अगर मैं बैंक में जमा करूं तो बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो बैंक में जमा करने पे मुझे मिलेगा 100 × 1.10, 110। बिल्कुल सही, मुझे कितना मिल सकता है? मुझे 100 × 1.10 110 मिल सकता है। अच्छा, शेयर की प्राइस बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। अब बात यह है कि मुझे शेयर खरीदना चाहिए तो मुझे शेयर खरीदने पे यह मिलेगा एक्सपेक्टेड प्राइस, जबकि बैंक में जमा करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 110। तो सवाल यह है कि यार मुझे कम से कम यहां से कितना चाहिए? सर आपको तो 110 चाहिए। बेटे 110 नहीं, 110 से ज्यादा चाहिए। ये रिस्की है कि नहीं है? हाँ, इधर रिस्क है और इधर रिस्क फ्री है, तो इधर से मुझे अगर चाहिए तो मुझे 110 से ज्यादा मिलना चाहिए। पर बाइनोमियल का कहना है रिस्क न्यूट्रल, बाइनोमियल में जो रिस्क न्यूट्रल, कि यहां भी कोई रिस्क नहीं है, हमें बस 110 मिल जाए, बात खत्म, तो मान लो रिस्क है ही नहीं। अच्छा, ये एजम्पशन लिया, इट मींस मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए 110 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस। देखो उसने प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकाला है, उसने इस तरह से काम किया। ये क्या है? 100। 100 क्या है? अभी का प्राइस। तो उसने कहा एस मल्टीप्लाई आर, आर का मतलब ये आर नहीं है, आर इसको मानते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं,
तो एस को मल्टीप्लाई किससे करना, आर, ठीक है। अब सर ये यूएस क्या चीज है, यूएस क्या चीज है, बस ये समझना है आपको। पर फिर भी अगर मैं इसको यूएस लिख देता हूं, यूएस लिख देता हूं, या फिर और भी एक तरीका है, सुनना ध्यान से अब क्या करना होने वाला। मैं कहता हूं शेयर का प्राइस 20% बढ़ सकता है, या तो 20% कम हो सकता है। दो 20% बढ़ेगा तो 100 × 1.20 हो सकता है, ठीक है सर। या 20% डाउन होगा तो 100 × 20% डाउन, मतलब क्या यहां 0.8 लिख सकता हूं? यस, 0.8 लिख सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब है कि शेयर का प्राइस 120 भी हो सकता है और 80 भी हो सकता है। अब मैं इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझोगे। आज शेयर का प्राइस कितना है? 100, और मुझे कम से कम कितना चाहिए? 10%। तो दोनों तरह से यहां मैं फिगर में करके बता दूंगा, और यहां आपको फिगर में मैं करके बता रहा हूं कि कैसे होगा। 100, स्टॉक का प्राइस कितना है? 100 मल्टीप्लाई 1.10, ठीक है सर। 100 × 1.20, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्लस 100 × 0.8, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 − p। एक इक्वेशन बनाया। अच्छा, इसको ऐसे लिखूं, एस आज का प्राइस मल्टीप्लाई किससे होगा? आर इज इक्वल टू, अब क्या होगा, यू एस, यूएस हो गया ये पूरा की पूरा, मल्टीप्लाई किससे होगा? पी प्लस, उसका नाम ले सकते हैं, यस सर, डीएस, डीएस मतलब ये पूरा की पूरा, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? डीएस को 1 − p। तो बेटे ये अभी मेरी इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन ले लो, ये एस, ये हमारा आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वही एस, इससे मल्टीप्लाई कर दिया यू से, ये प्रोबेबिलिटी, और फिर ये सारा के सारा काम। अब देखते क्या, मैं प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूं, अब देखते इक्वेशन क्या हो सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एस आर यूएस इंटू पी, ठीक है सर, डीएस इंटू 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा सर? डीएस माइनस डीएस इंटू पी। इस इक्वेशन को मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है सर। यहां भी ऐसा हो सकता है क्या? यहां भी ऐसा हो सकता है, और कुछ नहीं है, 100 × 1.10, 100 × 1.20 × p प्लस 100 × 0.8 − 100 × 0.8 × p। अब बेटे सुनो मेरी बात को, ये डीएस बेकार में दिख रहा है, तो क्या इसको इधर ला सकते हैं? यस, एसआर माइनस डीएस, एसआर माइनस डीएस, ठीक है जी। तो अब बचा क्या? अब बचा यूएस इंटू पी माइनस डीएस इंटू पी, यूएस इंटू पी माइनस डीएस इंटू पी। मैं डेरिवेशन समझा रहा हूं, अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी इजी है, आप या तो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सर यहां भी ऐसे ही कर ले कि यस 100 × 1.10, ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं, माइनस 100 × 0.8 इज इक्वल टू 100 × 1.20 × p माइनस 100 × 0.8 × p। अब देखो ध्यान से, क्या ये कॉमन निकल सकता है? हाँ सर, एस आर माइनस डीएस
इज इक्वल टू, पी को कॉमन निकाल लिया, यूएस माइनस डीएस। इस तरह से यहां भी कर रहा हूं, 100 इंटू 1.10 माइनस 100 इंटू 0.8 इज इक्वल टू, अब पी को कॉमन निकाल रहा हूं मैं, 100 इंटू 1.20 माइनस 100 इंटू 0.8। अब बस आखिरी काम बचा है, क्या इसको हम इधर ला सकते हैं? यस, तो मैं यहां लिख रहा हूं P इज इक्वल टू एस आर माइनस डी एस डिवाइडेड बाय यूएस माइनस डीएस। ठीक यहां काम कर रहा हूं, P इज इक्वल टू 100 इंटू 1.10 माइनस 100 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1.20 माइनस 100 इंटू 0.8। ठीक है सर, अब क्या हो सकता, अब बेटे क्या कॉमन निकाला जा सकता, एस और एस है, तो मैं यहां कॉमन निकाला एस और किया आर माइनस डी, और एस को कॉमन निकाल लिया और ये आ गया यू माइनस डी। सेम यहां भी मैं कर सकता हूं, 100 1.10 माइनस 0.8 और 100 1.20 माइनस 0.8। अब अगर बात करो तो S और S तो काटा जा सकता है, 100 और 100 काटा जा सकता है, तो फाइनली प्रोबेबिलिटी, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया। और रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बना P इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला बना, R माइनस T डिवाइडेड बाय U माइनस D। ठीक है, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऐसे कर लू, 1.10 R माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 1.20 माइनस 0.8। तो इसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी, अच्छा, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, तो इसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एक तो पहले ये फॉर्मूला यूज करके हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी से वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे। ठीक है, डेरिवेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल सही है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यार कहीं ना कहीं तो आपको बात को समझना पड़ेगा कि क्या मान के चला हूं। और मैंने रिस्क फ्री से क्यों डिस्काउंटिंग किया है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जो मुझे पैसा मिलेगा वो एक्सपेक्टेड नहीं है, रिस्क न्यूट्रल वर्ड, रिस्क है ही नहीं, इसलिए हम रिस्क फ्री से काम कर रहे हैं। तो ये दो फॉर्मूले, अब इसको मैं प्रॉपर प्रोसेस में करवा देता हूं कि किस किस तरह से काम करना है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, और किस तरह से आंसर निकालना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूं, उस इस एग्जांपल से समझा दूंगा कि प्रॉपर प्रोसेस में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो और उसी के थ्रू आपको स्टेप्स लिखवा रहा हूं, तो लिखोगे एग्जांपल नंबर 1। सुनना ध्यान से एग्जांपल, एग्जांपल तो बेटे ऐसा है कि मैंने आपको एक तो दे दिया करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, जिसको आगे से हम एस बोलेंगे। ठीक है, अब करंट मार्केट प्राइस लिख दे, स्पेसिफिक नोटेशन में आपको अलग से बता दूंगा। मान के चलो करंट, वही वाला क्वेश्चन उठा रहा हूं, 500। ठीक है, और क्या ले लेते हैं, एक्सरसाइज प्राइस, मान लो बेटे 510, पीरियड 1 ईयर, और
रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट ले लीजिए आप कितना परसेंट, 10% पर एनम। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन। और प्राइस ऑन मैच्योरिटी, दो पॉसिबल प्राइस हो सकता है, अपर प्राइस। मान लो 20% बढ़ा के देते हैं तो 500 प्लस 20%, ये हो सकता है 600, या फिर लोअर प्राइस दिया रहेगा ₹400। इसके बाद आपको लिखा रहेगा कैलकुलेट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज पर बाइनोमियल मॉडल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आपका। अब पहले बात बाइनोमियल के विषय में बोला है, ठीक है, हम बाइनोमियल से कर लेंगे। जब ये दो प्राइस पॉसिबल प्राइस दिया रहेगा ना, बाइनोमियल ही लगेगा। अब बात ये है कि यार कौन सी अप्रोच से क्वेश्चन करना। तीन अप्रोच होती है बाइनोमियल से, एक रिस्क न्यूट्रल होती है कुछ, एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच होती है, और एप्लीकेटिंग। कहीं भी कुछ नहीं लिखा है तो हम रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच लगाएंगे। किस तरह से स्टेप्स फॉलो होगा वो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। सबसे पहला काम, स्टार्ट कैसे करोगे? फर्स्ट यहां डालोगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन। यहां नाम जरूर लिख देना कि कौन सी अप्रोच से काम कर रहा है। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। अब देखो काम कैसे होगा। सबसे पहले स्टेप नंबर वन, स्टैंडर्ड नोटेशन लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब जो गिवन है वो लिखोगे, गिवन। और स्टैंडर्ड नोटेशन में हमको क्या चाहिए? एक तो हमको चाहिए एस, एस का मतलब करंट मार्केट प्राइस, जो दिया हुआ है कितना रुपए दिया है, ₹500। ठीक है, इसके बाद हमको क्या चाहिए? इसके बाद हमको चाहिए आर, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटे, 10%, लेकिन हम क्या लिखते हैं, 1.10। ठीक, इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद चाहिए यू, कि शेयर का प्राइस बढ़ के कितना हो जाएगा, वो फैक्टर चाहिए। अब एक बार बताओ यार, ₹600 है और अभी कितना है, 500, तो बता सकते हो कितने परसेंट से बढ़ गया? सर 20% से बढ़ा दिख रहा है, पर हमको वो फैक्टर कैसे निकालते? तो वो ऐसे निकालते हैं, 600 डिवाइडेड बाय 500। इसका मैं कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं भाई, ये तो दिख रहा है 600, वो फैक्टर चाहिए कि बढ़ के कितना हो गया। तो यहां आंसर कितना आएगा, यू का आंसर 1.20। ठीक है सर, इसके बाद क्या जाएगा, डी घट के कितना हो गया, 400, ये 400 डिवाइडेड बाय 500, तो यहां कितना आ जाएगा, 0.8। ये आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, एस आर यू और डी। जैसे ये चार चीज निकला तो फिर आपका लगेगा स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में क्या लिखोगे? अब काम क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क न्यूट्रल
प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, स्टेप नंबर टू में आप ये काम करोगे। ठीक है सर, तो इसको कैसे करेंगे? बेटे इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पी इज इक्वल टू आर माइनस डी और यू माइनस डी। आर कितना है आपने कितना निकाला 1.10, माइनस डी कितना है 0.8 डिवाइडेड बाय 1.20 माइनस 0.8, देख लेते कितना आ रहा है। 1.10 पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेना, 1.20 माइनस 0.8 इसको डाला एम प्लस में, फिर 1.10 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय एम आर सी इक्वल टू, किस्मत देखो बेटे 0.75 आ गए। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद करना स्टेप नंबर थ्री, और इसके बाद आप हमेशा बायनोमियल ट्री बना लिया करो। सर क्यों बेटे बना ले क्यों? और प्रेजेंटेशन का नंबर होता है, ठीक है, बायनोमियल ट्री। ये कैसे बनेगा? तो आज शेयर का प्राइस कितना है 500, या तो प्राइस बढ़ेगा तो कितना हो सकता है 600, या प्राइस गिरेगा तो कितना हो जाएगा 400। दिस इज बायनोमियल ट्री। ठीक है सर, वैसे इसको क्या बोला जाता है 600 को, हालांकि इसका नाम होता है यू एस और इसका नाम क्या होता है डी एस, पर ये हमारे काम का नहीं, हमें पे ऑफ निकालना है। पे ऑफ का मतलब अगर 600 हो जाए तो प्रॉफिट है कि लॉस है, इसको बोलते हैं सी यू। बताओ बेटे ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस कितना है 510 और यहां कितना 600, तो सी यू पे ऑफ कितना 90 और इसको बोला जाता है सी डी 0। और एक बात है, यहां इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.75, ये लिख दिया करो, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस बी 0.25। ये बायनोमिलिट्री हमेशा बना लिया करो, कॉल ऑप्शन है। तीन स्टेप जैसी हो गई तो अब आ जाएगा स्टेप नंबर फोर, और स्टेप नंबर फोर यहां लिख देता हूं मैं, उधर जगह है नहीं। स्टेप नंबर फोर, और स्टेप नंबर फोर में कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है, और वैल्यू ऑफ ऑप्शन सुनो कैसे निकलेगा, हालांकि इसका भी फॉर्मूला, वैल्यू इज इक्वल टू सी यू और मल्टीप्लाई किससे करना है P प्लस 1 माइनस पी, ये जो है ना ये ऐसे आया 1 माइनस 0.75, तो 1 माइनस पी और मल्टीप्लाई किससे करना सी डी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो बताओ बेटे 90 इंटू 0.75 प्लस 0.25 इंटू 0 डिवाइडेड बाय एक साल का है तो 1.10। तो अब ये आंसर आ जाएगा आपका, और आंसर आएगा 90 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 1.10, तो आंसर आ गया आपका 61.37, 36 लेते 61.36। बस अगर कोई भी रिस्क न्यूट्रल का आ जाए तो चार स्टेप्स में हम अब काम करेंगे। पहला स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करना ही करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन स्टेप नंबर वन में, स्टेप नंबर टू में रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद हो जाएगा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। तीसरा बायनोमियल ट्री बनाना ही बनाना है, इसको बायनोमियल ट्री बोलते हो और आप बैकवर्ड कैलकुलेशन के थ्रू काम करते हो, और चौथी आपको वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना, इस तरह से काम होगा। अब ना मैं एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल के बाद फिर हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे, उस एग्जांपल में सारी बातें कवर हो जाएंगी। तो
तो अब काफी कुछ फॉर्मूला समझा हमने, बायनोमियल का, रिस्क न्यूट्रल का। टोटल दो एग्जांपल करूंगा बस, एक कॉल ऑप्शन के लिए करवाऊंगा और एक पुट ऑप्शन के लिए। उसी में सारे फैक्टर हो गए, कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग होगा उसमें, रिस्क कंपाउंडेड एनुअली आ जाएगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से बस एग्जाम के लिए ये दोनों ही एग्जाम्पल आप रिविजन कर लेना, आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक लेते एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है सर। सबसे पहले मैं पूरी लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, करंट मार्केट प्राइस वगैरह वगैरह ये आप समझ जाओगे। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, एस आज का प्राइस ₹1,000, 1,000। अच्छा सर, पीरियड कितना? पीरियड बेटे अब की बार मैंने 6 मंथ लिया, 6 महीने। सर ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन लिया मैंने कॉल ऑप्शन। एक्सरसाइज प्राइस कितना? 1,100 रुपये। सर अपर प्राइस कितना? US बोल दूं चलेगा? हाँ सर चल जाएगा, अपर प्राइस मन से ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ा, 1,300। और सर लोअर प्राइस ये 900। और सर रेट, रेट अब रेट में सुनोगे बेटे, रेट तीन तरीके हो सकते हैं रेट के। तीन तरीके में या तो दे दे आपको, रिस्क फ्री रेट की मैं बात कर रहा हूं, 8%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली ये दे सकता है, या तो दे दे, अलग अलग सिचुएशन है, 8% कंपाउंडेड एनुअली, या तो दे दे 8%। ये सब पर एनम है ना, आप पर एनम ले लोगे मुझे, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, बस तीन तरीके से रेट दे सकता है। और फिर आपसे बोलेगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑप्शन या वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अब तीनों तरीके से मैं आपको यहां करके दिखा रहा हूं, ठीक है? बस यही, इस पे फोकस करना, रेट का खेल है पूरा की पूरा। पहली बार अगर पहला जमसन रेट दिया है, 6 महीने का निकालना है मुझको, और रेट दिया 8% पर एनम, कंपाउंडेड क्या चीज, सेमी एनुअली, ठीक है सर? सर काम क्या होगा बता सकते हो? सारी स्टेप्स वही रहेगी। तो अगर मैं बोलूं स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में आपको स्टैंडर्ड नोटेशन लिखना पड़ेगा गिवन। अब गिवन में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो मुझे चाहिए एस जो दिया हुआ है, 1,000 रुपये। उसके बाद मुझे चाहिए यू एस, कितना बढ़ सकता है, 1,300 हो सकता है, और अभी कितना है, 1,000। तो ये आ गया 1.3, ठीक है। एक तो मुझे चाहिए डीएस, कितना हो सकता है, 900, और अभी कितना है, 1,000। तो ये आ गया 0.5।
नाइन, और क्या चाहिए मुझे, आर, बस बेटे इसी का खेल है। अगर दिया 8% कंपाउंडेड एन सेमी एनुअली, तो कुछ नहीं करना, 8 × 6 महीने का रेट, 6/12, तो सीधा सीधा कितना परसेंट आएगा, 4%। इसको मैं 1.04 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल सीधा करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाला काम हो गया। अब क्या करना होता है, स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में मुझे निकालना पड़ेगा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, उसका फॉर्मूला पी इज इक्वल टू आर माइनस डी यू माइनस टी। आर हमको मालूम है 1.04 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 1.30 माइनस 0.9, देख लेते कितना आ गया, 1.3 माइनस 0.9 एम प्लस 1.04 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय एम आर सी इक्वल टू, तो बेटे ये आंसर आ गया 0.35। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आ जाएगा स्टेप नंबर थ्री, और हमको क्या बनाना है, बाइनोमियल ट्री। बाइनोमियल ट्री, अभी शेयर का प्राइस कितना है, 1000, कितना हो सकता है, 1300 हो सकता है, या कितना हो सकता है, 900 हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन कौन सा है, कॉल, तो सीयू बोलो। एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 1100, तो 1300 माइनस 1100, तो सीयू कॉल ऑप्शन का पे ऑफ आएगा 200, और इसका कितना आएगा, 0। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.35, तो इधर की कितनी आ जाएगी, 0.65। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, स्टेप नंबर फोर, और मुझे क्या निकालना, वैल्यू ऑफ कॉल, और वैल्यू ऑफ कॉल को क्या सर, सी जीरो भी बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते, सी यू पी प्लस 1 माइनस पी इंटू सी डी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, तो देखो क्या बनता है, 200 × 0.3, 0 × 0.65 डिवाइडेड बाय 1.04, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 200 × 0.35 डिवाइडेड बाय 1.04, बेटे आंसर आ गया 67.31। तो हम कितना रुपए दे सकते, 67.31, दिस इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अगर यहां की वैल्यू की बात करूं तो ये आ गया 67.31, सी जीरो आज मैं दे सकता हूं 67.31। तो ये एक तरीका हुआ, पर ये सब चल जाएगा, सब कुछ। रेट क्या था आपका, 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, पर सर अगर कोई और होता, 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअल नहीं, नहीं होता, एनुअली होता, या फिर 8% पर एनम इफेक्टिव होता तो क्या होता, बेटे इस मैटर पे तो मैं बात कर सकूं, अगर इफेक्टिव होता तो क्या होता, जरा देखते हैं। तो फिर सुनो काम क्या करना, अगर इफेक्टिव होता तो एस तो यही रहता, यूएस भी यही रहता, डीएस भी यही रहता, इनमें थोड़ी चेंज होगा, जो चेंज होता वो यहां चेंज हो जाता, फिर हम ये नहीं कर पाते, ये गलत हो जाता, इस तरह से रेट चेंज नहीं करते। इफेक्टिव दिया है तो आपको पता, इफेक्टिव ऐसे करते हैं, 1.08 पावर हो जाता 1/2, इफेक्टिव दिया है इसलिए।
तो यहां आ जाता 1.08 का स्क्वायर रूट। तो बेटे फिर मुझे रेट लेना पड़ता 1.0392, हालांकि थोड़ा सा ही अंतर आएगा। बात समझ में आ रही है? दिया क्या ये देखना पड़ेगा, अगर सेमी एनुअली है तो नॉर्मल है, पर अगर कंपाउंडेड एनुअली दिया है तो आप इंटू 6/12 नहीं कर सकते, फिर तो पावर 1/2, 1/2 का मतलब समझ रहे हो ना, 6 महीने का, पर इस तरह 6/12 करना पड़ेगा, 1/2 या 6/12। सर उसके बाद क्या होता, अब देखो मैं चेंज करते जा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ नोट करोगे तो ज्यादा अच्छा। स्टेप नंबर टू ऐसी होता है, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी फिर से निकालते, पर अब यहां वैल्यू चेंज हो जाती आर माइनस डी। तो यहां क्या होता, आर क्या हो जाता, आर हो जाता अब की बार 1.0392, डी उतना ही रहता -0.9 डिवाइडेड बाय 1.30 -0.9। अब देख लेते आंसर कितना आ रहा, थोड़ा सा अंतर आएगा 1.3 -0.9 एम प्लस 1.0392 -0.9 डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू, बेटे अब प्रोबेबिलिटी आता 0.348, इतना ही अंतर आ रहा, बाकी कुछ नहीं है। बायनोमियल ट्री में कोई चेंज नहीं होता, बायनोमियल ट्री वैसे ही रहता, सी और ये सिर, बस प्रोबेबिलिटी यहां आता 0.348। तो अब यहां कितना आ जाता डाउन होने की प्रोबेबिलिटी 1 -0.348, तो बेटे ये आ जाता 0.652। अब फॉर्मूले की बात करो, फॉर्मूला ऐसे ही रहता, बस प्रोबेबिलिटी में चेंज हो जाता, प्रोबेबिलिटी में यहां क्या जाता 0.348 प्लस यहां जाता 0 × 0.652, और यहां फैक्टर चेंज हो जाता, यहां जाता 1.0392, और आपका जो आंसर आता वो आंसर अब क्या जाता 200 × 0.348 डिवाइडेड बाय 1.0392, तो आंसर आता 66.97। इसका मतलब बस थोड़ा सा अंतर है, फैक्टर का अंतर आ जाएगा बस, मतलब सिर्फ यहां चेंज हो रहा है, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिर्फ यहां चेंज हो रहा है। आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि क्वेश्चन में 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली दिया है या 8% कंपाउंडेड एनुअली दिया है। दोनों ही कंडीशन में आप क्वेश्चन अपने पास में रख लीजिए सॉल्व करके। 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली मैं आपको करवा दिया हूं, 8% कंपाउंडेड एनुअली ये दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए। और अगला हम करने जा रहे हैं 8% कंपाउंडेड कंटीन्यूअसली, इसको फटाफट से नोट करो बेटा। चलो तो अब अगला पॉइंट ले ले, मेरे ख्याल से आप पॉज करके नोट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया है 8% लास्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, अब बेटे अब ध्यान से समझना, कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग दे रखा है तो अब गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन में बिल्कुल ध्यान से अब मेरे साथ साथ नोट करोगे, साथ साथ नोट करना, गिवन में एस 1000 रुपए ही रहेगा, यू 1300 डिवाइडेड बाय 1000 रहेगा, तो कितना रहेगा ये 1.30, डी 900 डिवाइडेड बाय 1000 रहेगा 0.9। अब मैं आर नाम नहीं दूंगा, अब मैं नाम दे रहा हूं ई पावर आर टी, अब नाम चेंज कर दिया मैंने आर की जगह, ई रेट कितना है 0.08, कितने साल के लिए, आधा साल, आधा साल मतलब 6 महीने 6/12, तो E 0.04,
अब 0.04 का कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग का फैक्टर या तो दिया रहेगा या तो हम निकाल लेंगे, 0.04 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1 इनटू इक्वल टू कितने बार करेंगे, 12 बार, तो आंसर आ जाएगा। ये आपको दिखाना नहीं है एग्जाम में, आप पता लगा एग्जाम में दिखा रहे, जरूरत ही नहीं है बेटे, बस आप निकालो अपने हिसाब से, 0.04 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये आ गया 1.0408, और 1 भी ले लो अगर लेना हो तो 1। तो अब मेरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, याद रखना ये कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग में चेंज होगा फॉर्मूला। और अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लगेगा, ये फॉर्मूला बनेगा मेरा, पी इज इक्वल ई पावर आर टी माइनस डी, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम, और यू माइनस डी, तो ये हो जाएगा 1.04081 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 1.30 माइनस 0.9। तो अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, 1.3 माइनस 0.9 एम प्लस में डाला, 1.04081 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय एम आर सी इक्वल टू लगभग उतना ही आ गया 0.3520, ये आया प्रोबेबिलिटी। तो बाकी बायनोमियल ट्री में कुछ नहीं करना, इसमें चेंज करना 0.3520, तो यहां की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी 1 माइनस 0.3520, तो यहां की आ गया 0.648। ठीक है, बाकी तो कोई चेंज नहीं, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैं आपको दिक्कत बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ कॉल, सर अब कैसे करना वैल्यू ऑफ कॉल, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहां चेंज होगा, आर नहीं लिखूंगा, नीचे आ जाएगा ई पावर आर टी, इसका मतलब नीचे पर फैक्टर चेंज हो जाएगा, और फैक्टर आ जाएगा ई पावर आर टी आपने निकाला था 1.04081। तो देख लेते हैं फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 200 × 0.348, 348 गलत है भाई, प्रोबेबिलिटी में तो चेंज होगा 0.3520, और इधर जाएगा 6480, तो 200 × 0.3520 डिवाइडेड बाय 1.04081, तो आंसर अब की बार आ गया 67.64। ठीक है, तो टोटल मिलाकर तीन तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है, बस यही गलती हो सकती है, बाकी गलती या तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोल दे, या तो कंपाउंडेड एनुअली बोल दे, या तो कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली बोलते हैं। अगर सर कुछ ना दिया, सिर्फ 8% दिया, तो क्या मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं एजम्पशन लेकर, कंपाउंडेड सेमी एनुअली भी मान सकते हैं, पर मैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली मानूंगा, इसका मतलब है 8% साल भर का, तो 6 महीने का 4% सीधा, और कुछ नहीं करना, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। हाँ, ऐसे स्पेसिफिकली दिया रहेगा तो फिर मुझे काम करना। तो टोटल मुझे 2 एग्जाम्पल करवाना था, एक एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल था कॉल ऑप्शन का, और एक एग्जाम्पल मैं किसका ले लेता हूँ, पुट ऑप्शन का, तो सारी बातें समझ में आ जाएगी कि कैसे करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पुट ऑप्शन का। तो लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 2, एक एग्जाम्पल और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और अब की बार मैं पुट ऑप्शन का एग्जाम्पल उठा रहा हूं, और रेट आप पहचानना आप कि भाई कैसे लेना है रेट करके, फिर उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन बना लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2, एस मान लो बेटे है 500, ठीक है, सब पीरियड कितना ले रहे हो इस बार, पीरियड इस बार 3 महीने लेते, ज्यादा मजा आएगा, 3 मंथ्स,
3 months. अब पीरियड 3 months ले लिया, और क्या चीज चाहिए? एक तो मुझे चाहिए, ऑप्शन कौन सा है जी? ऑप्शन अब की बार कौन सा? पुट ऑप्शन। सर शेयर का प्राइस क्या हो सकता है? तो ऑन मैच्योरिटी 3 महीने बाद शेयर का प्राइस US 600 हो सकता है, या DS 400 हो सकता है। ठीक है, यहां तक बता, रेट बोलो। रेट रेट है 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, या इफेक्टिव कंपाउंडेड एनुअली। बस ये थोड़ा सा डेंजर है, इसको समझ के काम करना। कंपाउंडेड एनुअली सर क्या निकालना, क्या और क्या चाहिए मुझे? एक तो एक्सरसाइज प्राइस भी तो चाहिए यार। एक्सरसाइज प्राइस ले लेते हैं 530, 530। ठीक है, और मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ पुट एज पर बायनोमियल, वैल्यू ऑफ पुट क्वेश्चन मार्क। तो बस अब हम लोगों को वैल्यू ऑफ पुट निकालना है। काम कैसे करोगे? काम वैसे ही होगा जैसे हम पहले कर रहे थे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करना है। मतलब सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन, और गिवन में क्या क्या चीज चाहिए? गिवन में मुझे चाहिए सबसे पहले एस, जो कि दिया है 500। और क्या चाहिए? यू बढ़ेगा तो 600, और अभी कितना है? 500, तो ये आ गया 1.20। और क्या चाहिए भाई? मुझे चाहिए डी 400, 400 डिवाइडेड बाय 500, तो यहां कितना जाएगा? 0.80। और क्या चाहिए मुझे? आर, और सुनो इस बार फिर क्या दिया? इफेक्टिव दिया कंपाउंडेड एनुअली, तो 12 × 3/12 पॉसिबल नहीं है, हमको करना पड़ेगा 1.12 × 3/12, मतलब 1/2 बार स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो 1.12 और 2 बार स्क्वायर रूट किया, तो आंसर आ रहा है मेरा 1.0287287। ठीक है, क्यों किया? मैंने कंपाउंडेड एनुअली दिया, तो स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2, और मैंने स्टेप नंबर 2 में कहा था कि आप निकालोगे रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। अब रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है? ये फॉर्मूला आपके पास है, और फॉर्मूला था पी पी इज इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय यू माइनस डी। आर कितना है बेटे? आर है 1.0287 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 1.20 माइनस 0.8। देख लेते कितना आ रहा है। 1.2 माइनस 0.8 एम प्लस 1.0287 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय एम आर सी इक्वल टू, तो बेटे प्रोबेबिलिटी आ गया 0.572। कम से कम 3 डिजिट में तो लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। अब पी भी आ गया। अब स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में मुझे निकालना है, मुझे निकालना क्या, मुझे बनाना है बाइनोमियल ट्री। अब बाइनोमियल ट्री कैसे बनाया जाता है? बाइनोमियल ट्री ऐसे बनाते हैं। आज शेयर का प्राइस कितना है? 500। या तो शेयर का प्राइस बढ़ सकता है या तो कम हो सकता है। बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 600, और गिरेगा तो कितना हो जाएगा? 400। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सी यू, और क्या निकालना पड़ेगा? सी डी। अब बेटे सुनो, ऑप्शन कौन सा? पुट। और पुट तो बढ़ने पर क्या हो जाएगा? लैप्स 0।
और गिरने पे ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, और गिरेगा तो कितना हो जाएगा 400, और ये है 530, तो 530 माइनस 400, 130 का पे ऑफ है यहाँ, 130 का पे ऑफ। प्रोबेबिलिटी बोलो, प्रोबेबिलिटी यहां की मालूम है मुझे 0.572, तो क्या नीचे की निकल सकती है? यस, 1 माइनस 0.572, तो ये निकल गई 0.428। बायनोमियल ट्री हो गया हमारा। अब हमें निकालना वैल्यू ऑफ पुट, स्टेप नंबर 4, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, P0 बोल सकते हैं हम इसको। P0 तो वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ शेयर भी हो सकता है, पर हम यहां पुट ही लिख देता हूं भाई, पुट। फॉर्मूला क्या है? CUP प्लस ये क्या है, 1 माइनस P इंटू CD डिवाइडेड बाय कैपिटल R। फॉर्मूला तो यही है। तो बेटे 0 इंटू 0.572 प्लस 130 इंटू 0.428 डिवाइडेड बाय 1.0287, और अब हमारा आंसर निकल जाएगा, और आंसर आएगा 130 इंटू 0.428 डिवाइडेड बाय 1.0287, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ 54.09, ये आ गया 54.09। मतलब हम ऑप्शन की अभी 54.09 प्रीमियम दे सकते, इससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बायनोमियल के बड़े सारे क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस रहेगा और प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन पे। तो टोटल अगर क्वेश्चन आया है, चाहे कॉल ऑप्शन का चाहे पुट ऑप्शन का, टोटल 4 स्टेप्स में काम करना है हमको। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, नंबर भी स्कोरिंग होगी, पहले गिवन, फिर रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, फिर बायनोमियल ट्री, और फिर वैल्यू ऑफ कॉल या वैल्यू ऑफ पुट। स्पेशल केयर कहाँ करना पड़ेगा कि रेट क्या दिया है, बस इस पर, बाकी और कुछ है नहीं है, फ्री के नंबर है। एक बार ये समझ में आ जाए, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सबके साथ, ठीक है।